बुलंदशहर में बाइक सवार बदमाशों से नगर पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में अलीगढ़ निवासी शातिर सौरभ और सनी पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि उनका एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। फरार लुटेरे को पकड़ने के लिए पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए बदमाशों से पुलिस ने दो तमंचे, कारतूस और अलीगढ़ से लूटी गई एक अपाचे बाइक भी बरामद की है। बदमाशों पर लूट, हत्या और चोरी जैसे कई संगीन मामले भी दर्ज हैं। बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र में मामन रोड पर नगर पुलिस की ये मुठभेड़ हुई। जनपद बुलंदशहर में त्योहार और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत आज सायंकाल कोतवाली नगर की पुलिस टीम द्वारा मामन चुंगी पे चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक बाइक सवार जिसपे तीन व्यक्ति थे, उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, किंतु वे रुके नहीं और अपनी बाइक को मामन रोड की तरफ भगाने लगे। तत्पश्चात कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने संदिग्ध बाइक सवारों का पीछा किया और आगे जो है एक आम के बगीचे के पास बाइक सवार ने अपनी गाड़ी जो है आम के बगीचे में उतार ली और जब पुलिस टीम ने उनकी घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में फायर किया जिससे दो बदमाश मौके पर घायल हो गए और एक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पूछताछ में इनका नाम सौरभ और सनी प्रकाश में आया है और इनके विरुद्ध हत्या, लूट और गैंगस्टर के मुकदमे कायम हैं और अभी ये कुछ दिन पहले हत्या और अन्य मामलों में जेल से रिहा हुए थे। पूछताछ में इन्होंने कल रात अरनिया में जो एक लूट कारित किया था जिसका मुकदमा अरनिया थाने पर पंजीकृत किया गया था। दोनों आरोपियों को जिला हॉस्पिटल भर्ती करा दिया गया है, आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी और तीसरा जो अभी फरार हो गया है उसकी तलाश दबी सेतु थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सर, बुलंदशहर के अलावा और भी अन्य जनपदों में भी वारदात को अंजाम दिया है? ये इन्होंने अलीगढ़, हाथरस और जनपद बुलंदशहर में लूट, हत्या के बहुत सारे अपराध किए हैं जिसमें ये इनके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत थे और ये कई बार जेल जा चुके हैं। सर, इस पूरे एनकाउंटर में कितने राउंड ये दोनों ओर से फायरिंग हुई है और इनसे क्या कुछ बरामद हुआ है? लूट में इनके पास से जो दो तमंचे और बाइक बरामद हुए हैं। टाइम 24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।